करते हैं। आज हम जानेंगे कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस के आधार पर बताऊंगा। आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो क्या होगा, बॉन्ड के आधार पर हम काउंट करेंगे। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। और मैं आपको एक और ट्रिक बताया था जिसमें क्या बताया था, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने एटम क्या अटैच है और सेंट्रल एटम का हम क्या निकाल रहे थे, सेंट्रल एटम का हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के आधार पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को निकालकर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सेंट्रल एटम के चारों कितने एटम अटैच्ड है उसका, और उस सेंट्रल एटम का लोन पेयर को ऐड करके मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। उस ट्रिक के आधार पर आप बताए थे कि कैसे हम उसका किसी मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है क्या लोन पेयर वाला और सेंट्रल एटम के आधार पर, लोन पेयर के आधार पर बता सकता हूँ और एक बॉन्ड के आधार पर। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन का। तो चलिए देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है आपका कौन सा, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो यह होगा आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर वह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यानी कि अगर कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर आपका कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। अगर आपका कार्बन जो है किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, केवल क्या होगा, sp। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड आपका किसमें होता है, या सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन, किसमें होता है एल्केन, इसमें क्या आपका होगा ClH2n+2। यह डबल बॉन्ड किसमें होता है, एल्कीन, इसमें क्या होता है ClH2n। और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, एल्काइन में, इसमें क्या होता है ClH2n-2। तो इसके आधार पर अगर एल्केन का कोई भी मेंबर आता है, एल्केन का कोई भी अगर मेंबर आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, sp3। अगर एल्केन का कोई भी मेंबर आता है तो उसमें क्या होगा, sp2। यहाँ पर h क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर एल्काइन का कोई भी मेंबर आता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो हम आपको इसके आधार पर निकाल कर बता रहे हैं कि अगर बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, क्या होगा, sp होगा। तो हम तीनों मेथड के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि सिंगल एटम बॉन्ड के आधार पर निकाल सकते हैं। और जो मैं एक ट्रिक दिया था, कौन सा ट्रिक दिया था, लोन पेयर वाला, उसके आधार पर मैं निकाल बता रहा हूं।
तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सी एच फोर का, सी एच फोर। सी एच फोर में मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम के चारों ओर, इस सेंट्रल एटम है कार्बन, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या है, चार हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन यहाँ पर किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी थ्री, क्या होगा एसपी थ्री। और अगर इसी को अगर हम दूसरा ट्रिक जो बताए थे उसके आधार पर बताते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम जो ट्रिक बताए थे आपको सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम और लोन पेयर, लोन पेयर के आधार पर बताए थे, तो वो मैंने आपको बताया था कि इस कार्बन के चारों ओर कितने एटम है, चार। और इस कार्बन में लोन पेयर क्या है, कार्बन में लोन पेयर, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, चार होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा, इसमें लोन पेयर क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आएगा या फोर। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर फोर आएगा तो क्या मानेंगे, एसपी थ्री। यानी कि अगर कोई भी मेंबर अगर आपका, कोई भी मेंबर अगर आपका एल्केन का आता है, सी एन एच टू प्लस टू पर है या सी एन एच टू प्लस टू पर है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का एसपी थ्री। उसी तरह अगर आप सी टू एच सिक्स ले तो सी हो गया, इस कार्बन के बाद किया तो वन टू थ्री फोर, फिर इस कार्बन बात किया तो वन टू थ्री फोर। तो दोनों के लिए सेंट्रल एटम किसी एक का है, अगर इसका भी करते हैं तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन एसपी थ्री, इसका भी निकालते तो क्या हो जाएगा, एसपी थ्री। यानी कि अगर बॉन्ड अगर सिंगल से जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड से है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हर कंडीशन में क्या आएगा, एसपी थ्री आएगा। हाइब्रिडाइजेशन उसका हर कंडीशन में क्या आएगा, एसपी थ्री आएगा। तो ये हो गया, अगर इसको हम वही काम करें कि अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले पर, तो सी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर काम कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास लोन पेयर क्या आ रहा है, इस कार्बन के पास लोन पेयर क्या रहा है, जीरो, क्या रहा है, जीरो। तो यह ट्रिक भी, इस ट्रिक पर भी आपको क्या हो जाएगा, फोर प्लस जीरो कितना होगा, फोर, और फोर का मतलब क्या होगा, एसपी थ्री। यह ट्रिक जो, यह ट्रिक हर जगह क्या करेगा, काम करेगा, जो मैं आपको सेंट्रल एटम और लोन पेयर का नाम दिया था वह हर जगह काम करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का निकालना तो काम करेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन का अगर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो किस बॉन्ड पर होगा, सिंगल बॉन्ड अगर है तो क्या होगा, एसपी थ्री। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एसपी टू। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एसपी। यह आप नोट कर लीजिए और मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूं। अब देखिए, अगर यहां पर आपका C2H4 हो तो C2H4 दिया है कि C2H4 किस फॉर्मूले का अप्लाई करता है, यह आपका जो है एल्कीन का है, एल्कीन में जाएगा और ClH2n पाएगा, तो एल्कीन में जाएगा तो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यह जो है आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इसलिए सी यानी यह कार्बन जो है किस बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
एसपी टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा एसपी टू। अगर इसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं, इसको सेंट्रल एटम मानते हैं, इस सेंट्रल एटम के चारों को, इस कार्बन के चारों, यहाँ पर तो बॉन्ड नहीं होगा लेकिन केवल इसको देख के बता सकते हैं कि अगर कार्बन एटम डबल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या होगा sp2, क्या होगा sp2। अगर इसका सेकेंड ट्री क्या लगाते हैं, सेकेंड ट्री, तो सेकेंड ट्री क्या है कि इस कार्बन के चारों ओर कितने एटम अटैच है, इस कार्बन के चारों ओर कितना है, तीन, 1 2 3, कितना है 1 2 3, थ्री हुआ। और इसका लोन पेयर, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन काम कर लिया, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन काम कर लिया, तो कार्बन के पास लोन पेयर क्या हुआ, कार्बन के पास लोन पेयर एक भी नहीं बचा, जीरो हो गया। और थ्री का मतलब क्या होता है sp2, यह आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर यहां पर आपको C3H6 दे दिया, C3H6 दिया, तो अब यह किस पर जाएगा, एल्कीन पर, यहां पर ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड चला जाएगा। अब इस कार्बन की बात करें, यहां पर किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन जो है डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका क्या होगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो अभी यहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब इस कार्बन की बात किया जाए, यहां पर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। या बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आप केवल बॉन्ड के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन जो है एर्गोनिक कंपाउंड में कार्बन किस प्रकार हाइब्रिडाइज है, कौन से इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको केवल बॉन्ड के आधार पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ट्रिक यहां पर देखिए, अगर आपको मैंने C2H2 किस ग्रुप का है, यह मेंबर किसका है, यह मेंबर आपका है एल्काइन का और आ रहा है CnH2n-2। तो सिंपल सी बात है, किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा सी एक इधर एक इधर। अब चूंकि यह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, एच हो गया sp। इस कार्बन की बात करते हैं, एच क्या हो जाएगा sp। सेकेंड ट्रिक इस पर सेंट्रल एटम और लोन पेयर। चलिए यहां पर देखते हैं, इस कार्बन के चारों ओर कितने एटम है, इस कार्बन के चार दो एटम है, एक ही है, तो कितना हुआ अटैच एटम दो। और बात हुई लोन पेयर, इस कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चार होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन को काम में लगा लिया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, इसे लोन पेयर क्या हो रहा है जीरो और टू आया, और टू का मतलब क्या होता है sp, एक इसका C3H4 C C C, यह हो गया ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या हुआ 3 1 4 3 1 4 और 4 1 2 3 4। अब इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो क्या आ जाएगा sp।
इस कार्बन का पता करना है हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा एस पी, और इस कार्बन का पता करना है तो क्या हो जाएगा या सिंगल बॉन्ड से है 1 2 3 4 ये हो जाएगा एस पी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन का अगर आप क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आप यह ध्यान रखिए कि वह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वह क्या होगा sp3, अगर डबल बॉन्ड से है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड से है तो sp। लेकिन इसके साथ साथ यह केवल ट्रिक केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के साथ काम करेगा, यह बॉन्ड का जो रूल है यह केवल कार्बन के साथ काम करेगा। लेकिन अन्य किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर आपको टिक लगाना है तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है टिक ए वाला टिक आपको सेंट्रल एटम अटैच्ड एटम और लोन पेयर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यह जो नियम है सिर्फ कार्बन के लिए, किसके लिए है सिर्फ कार्बन के लिए है यह नियम, जो बहुत शॉर्टकट ट्रिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक आवश्यक सूचना कि अगर मेरे वीडियो को जो डेली सीरीज बाय सीरीज अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज, और साथ ही साथ अपने मित्रों में और दोस्तों में भी शेयर करते रहें ताकि वो भी मेरे वीडियो का लाभ लेते रहें। थैंक्स बाय वॉचिंग वीडियो, थैंक्स। Thank you.